सुप्रभात, मेरा नाम ऋषि पाल है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उस कहानी का नाम है आत्मशक्ति। एक बार की बात है, चंदनपुर नाम का एक गांव था। उसमें दो मित्र रहते थे। एक का नाम राम था, वो 10 वर्ष का था, और दूसरे का नाम श्याम था, वो 6 वर्ष का था। दोनों बहुत अच्छे मित्र थे। दोनों एक साथ खेलते थे। एक दिन दोनों खेलते खेलते गांव से बहुत दूर चले गए। वहां राम, जो 10 साल का था, उसका पैर फिसला और वो पास ही एक कुएं में गिर गया। गिरते गिरते उसने बोला, बचाओ बचाओ, कृपया मेरी कोई मदद करो। तभी ऊपर जो श्याम था उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। वो परेशान हो गया और उसने सोचा कि मैं अपने दोस्त राम को कैसे बचाऊं। उसने आसपास देखा, दूर दूर तक उसे कोई नहीं नजर आया। तभी उसने कुएं के पास देखा, एक बाल्टी पड़ी हुई थी, उसमें एक रस्सी बंधी थी। उसने बिना कुछ सोचे समझे उस बाल्टी को उठाया और कुएं में फेंक दिया। फिर राम से बोला उसने कि इस बाल्टी को पकड़ लो। फिर राम ने उस बाल्टी को पकड़ लिया और श्याम उसे जोर जोर से खींचने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आखिर में उसने राम को कुएं से बाहर निकाल दिया। राम कुएं से निकलने के बाद उसने तुरंत जाके श्याम को गले लगा लिया और फिर उसने धन्यवाद भी कहा और उसने बोला कि अगर आज तुम नहीं होते तो पता नहीं मेरा आज क्या होता। फिर दोनों खेलते खेलते गांव की तरफ जाने लगे। उन दोनों ने गांव में जाके इस घटना के बारे में सारे लोगों को बताया, पर उनमें से कोई भी ये विश्वास उन दोनों पर विश्वास नहीं कर रहा था कि कोई 6 साल का बच्चा एक 10 साल के बच्चे को कैसे कुएं से निकाल सकता है। अगर उसे पानी की भरी हुई बाल्टी को कुएं से निकालने को दे दिया जाए, वो काम भी नहीं कर पाएगा, तो ये उसने कर कैसे लिया। इसी बात को सोचते हुए वो सब गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति के पास गए। उन सारे गांव के लोगों ने पूछा कि अच्छा बताइए कि एक 6 साल का बच्चा कोई 10 साल के बच्चे को कुएं से कैसे निकाल सकता है। अगर उसे एक बाल्टी कुएं से निकालने को दे दी जाए, बाल्टी पानी से भरी हुई, तो वो भी काम नहीं कर पाएगा, तो ये उसने कर कैसे लिया। तो उन बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि जैसे आप लोग बोल रहे हैं वैसे ही उसने वो काम कर दिया। फिर वो सारे लोग चकित हो गए। तभी उन बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि आइए आप सब लोग यहाँ बैठिए, मैं सब आराम से बताता हूँ। फिर उन सारे गांव वाले लोगों ने पूछा कि बताइए ये कैसे संभव है। फिर उन बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि हमें बचपन से सब लोग बताते हैं कि तुम ये काम नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, इसीलिए हमारा आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। वो पूरा आता ही नहीं, बीच में ही खत्म हो जाता है।
ये सारी बात सुनकर गांव वाले और चकित हो गए। फिर उन बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा कि जैसा कि आप लोगों ने बताया कि उस लड़के को आसपास दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था, इसीलिए उसे कोई ये नहीं बताने वाला था कि वहाँ पे उसे कोई ये नहीं बताने वाला था कि तुम ये इस बड़े लड़के को, 10 साल के लड़के को इस कुएं से निकाल ही नहीं पाओगे। इसीलिए उसका आत्मविश्वास पूरा हुआ और उसने अपनी पूरी ताकत से एक बच्चे की जान बचा ली। द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, हम अपने मनोबल और आत्मशक्ति से हर काम कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी कठिन हो या कितना भी आसान। धन्यवाद। आपका दिन अच्छा रहे।